पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार, नमस्ते। जी जी नमस्ते, नमस्ते सभी दर्शकों को, नमस्ते जी। पंडित जी, अक्सर हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक स्कॉलर हैं पंडित जी, आपने इतना मतलब पढ़ाई पढ़ी है, इतनी सालों तक इन सब चीजों को समझा है, और आज मेरा आपसे ये सवाल है पंडित जी कि गौ माता का अगर आप हमें बता सकें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कि क्या सिग्निफिकेंस है पंडित जी। सही, गौ माता के संदर्भ में वेद में भी आया है गावो विश्वस्य माता रहा जी। इसमें बल्कि ये बताया गया है गोविस्तुल्यम ना पश्यामि धनम किंचित दिहाय चुतः, अर्थात के गौ के तुल्य कोई धन नहीं है, गौ के तुल किसी और धन को नहीं समझना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। वेद में आया है गोष्ठ वयम प्रजाया सम सन सदेमा, ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। हम लोगों में गायों की सर्वहित संगति प्राप्त करें, ये गायों के संदर्भ में विशेष करके वेद में उपदेश आया है जी, और यहां तक के मनुस्मृति में भी आया है। गाय ही सर्वोत्तम क्यों, मैं एक छोटा सा वांगी आपको सुना रहा हूं। जी जी जी, कि गाय ही सर्वोत्तम क्यों जी, और कृषि अन्योधास्तित धाश्रित है, इसीलिए महर्षि के गौ कर्णानिधि, ऋषि दयानंद ने इस पर एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है गौ कर्णानिधि, और उन्होंने इसकी गौ रक्षिणी सभा भी बनाई थी। हाँ, इस सभा का नाम गौ रक्षिणी सभा रखा गया था। गाय का दूध सर्वोत्तम क्यों है, इसमें निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं, जैसा गाय का दूध पीला और भैंस का सफेद होता है, इसलिए सबके दूध के विशेषता करते हैं कि गाय के दूध में सोने का अंश होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और रोग नाशक भी है जी। गाय का दूध, हाँ, गाय का दूध बुद्धि वर्धक, आरोग्यग्रत, आरोग्य गाय का दूध निरोग रखने वाली दूध है जी। गाय का अपने बच्चे के साथ स्नेह होता है, जबकि भैंस का बच्चे के साथ ऐसा स्नेह नहीं देखने को मिलता। गाय के दूध में स्फूर्ति होती है, इसलिए गाय के बछड़े हुए बच्चियों खूब उछलने कूदने फिर उछलते कूदते फिरते हैं। भैंस के दूध पीने से आलस और प्रमाद होता है। गाय के बछड़े को 50 गायों के अधिक भीड़ में भी अगर गाय के बच्चे को छोड़ दिया जाए जी, तो वो गाय का बच्चा अपने माँ के पास ही जाता है। अच्छा, माता के पास ही वो जल्दी ही ढूंढ लेती है, वो अपने माँ को जल्दी ढूंढ लेती है, जबकि भैंस के बच्चे को यह उस उत्कृष्टता यानी ये स्वभाव भैंस के बच्चों में नहीं है। गाय का दूध तो सर्वोत्तम होता है, गाय का गोबर मूत्र भी इसके अनेक उपकारिता है। गाय का गोबर स्वच्छ को कीटनाशक होता है, गाय की खाद 3 वर्ष तक उपजाऊ शक्ति बढ़ाती रहती है, किंतु भैंस के खाद में एक वर्ष से ही वो बेकार हो जाती है, और मनुष्य का स्प्रे करके कीड़ों के गौमूत्र का स्प्रे करके कीड़ों के नाश को भी
कीड़ों को भी नाश किया जाता है। जी गौमूत्र उत्तम औषधि है, आयुर्वेद के ग्रंथों में 50 से भी अधिक रोगों का इसका वर्णन किया गया है। कृषि में कृषि कार्य के लिए गाय को गाय के बछड़े सर्वोत्तम। भारतवर्ष में आज के मशीनरी युग में भी 5% खेती बैल से ही होती है। गाय एक सराहनीय पशु है, वो कड़ी धूप में सर्दी को भी सहन कर जाती है, इसलिए गाय जंगल में घूम घूम कर प्रसन्न रहती है। गाय के दूध से सूरज की किरणों से भी निरोगता बढ़ती है, इसलिए वह अधिक स्वास्थ्य वर्धक है। जी तो गाय के दूध में अनेक उपकारिता है, जिसमें वेद में, मनुस्मृति में और जगहों में इसका वर्णन आया है। वेद छात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण एवं और संतों ने भी गाय का वर्णन किया है, गाय की तारीफ में बहुत कुछ कहता है। अथर्ववेद में आया है, यदि नो गौ हंसी यद्वस्वं यदि पुरुषम तम त्वा सीसेन विषमो यथा नो असि अवीरहा। यदि तू हमारी गाय घोड़े अथवा पशु की हत्या करता है, ये जो हत्या करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये उपदेश आया है जी वेद में, तो हम शीशे की गोली से तुम्हें बीज डालेंगे। जो गाय के मारने वाले लोग हैं उनके लिए वेद का आदेश है कि शीशे की गोली से उन्हें भून देना चाहिए जी, तो हमारे वीरों का वध ना कर सके जी। आगे मनुस्मृति में बताया है, अनुमंता विश्वसिता निहंता क्रय विक्रयी संकर्ता चोपहदोहर्ता च स्वाद कश्यति घातकः। अर्थात मारने से जो मारने का सलाह देता है, अर्थात गाय को जो मारने का सलाह देता है, मांस के काटने, पशु आदि मारने, उसको मारने के लिए खरीदने और बेचने, मांस को पकाने और परोसने वाली ये जितने भी हैं, ये 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं और उनको हिंसक बताया गया है। अच्छा हाँ, 8 लोगों को यहाँ हिंसक बताया गया है, जो ये लोग हिंसक हैं जी। अच्छा, वशिष्ठ स्मृति में भी बताया है, अग्नि दो गर्दश्च जी सस्वनीता पहा क्षेत्र द्वारा हर्ता चढ़े ते ज्ञाता इनह। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ से हथियार लेकर मरने वाला, धन गोधन को श्रेष्ठतम न जानने वाला, उसको हरण करने वाला यानी चोरी करे उसको, तो ये क्षेत्र हाँ, अथवा भूमि को हड़पने वाला यानी जो किसी दूसरे का भूमि को हड़पता है जी, वो गौवध के श्रेणी में उसको बताया गया है। अच्छा, या गौवध करने से जो पाप है तो किसी के संपत्ति को हड़पने वाले को भी वही पाप लगता है जी। हाँ, ये हरण करने वाले ये 6 आतताई कहा गया, इन लोगों को आतताई कहा गया है। आतताई केवल हम उन आतंकवादियों को कहते हैं ना, आतंकवादियों को नहीं है, इन लोगों को भी आतताई बताया गया है। किनको किनको, फिर मैं बोल रहा हूँ जी, किनको किनको, यहाँ 6 लोगों का ही नाम बताया है। आग लगाने वाला, दूसरे के घर में जो आग लगाए, जो हाँ जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करे, नुकसान पहुंचाए, और जो एक दूसरे को जहर दे, या हाथ में तलवार लेकर मारने वाला, धन गोधन को श्रेष्ठतम ना जानने वाला यानी
जो गोधन जिसकी चर्चा में हम और आप बैठे हैं जी, और आपके कहने पर ही जब आपने बताई, यद्यपि मैं तो कल ही आ गया था बिहार से जी, और हाँ आपके बताने पर मैं अपने पेज में भी बहन जी आपको लिखा, तो उसी लेख को मैं सब जगह भेज दिया था जी। हम और आप जिस चर्चा में लगे हैं, आज ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया से भी एक फोन आया मेरे पास जी, उन्होंने भी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। कुछ मौलाना लोग जो बांग्लादेशी मौलाना हैं जी, वो लोग हाँ, वो लोग गोमांस खाने का हिंदू धर्म से प्रमाण दे रहे हैं जी, 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 जी। तो वो किस लिए कहाँ से दे रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आज फोन आया मेरे पास, वो बंगाली है और बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, तो उसने किसी ने बताया होगा या कहीं सुना होगा मेरे वीडियो को जी, और तो उन्होंने मेरे से समय लिया कि आप मुझे समय दीजिए तो हम एक प्रोग्राम आपके साथ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको समय दिया जी, मैंने उनको समय दिया, फिर मैं पूछा कि किस भाषा में करेंगे, मेरा तो सारा काम हिंदी में है जी। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी वीडियो सुना हूँ, आप बंगला भी अच्छा जानते हैं जी, तो बंगला में करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश वाले हैं तो बांग्लादेश में भी आपकी ये आपके विचार और लोगों को तक पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्वीकृति दे दी बहन जी। जी बहुत अच्छा पंडित जी, आप ना रहे तो कैसे हम काम कर पाएंगे पूरा पंडित जी। उनको भी मैंने कहा कि आज इसी विषय पर बहन जी के साथ मेरा प्रोग्राम है उनके चैनल पे जी, तो आपके कार्यक्रम की सूचना भी मैंने उनको दी जी। जी जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पंडित जी ऑस्ट्रेलिया वालों को, कि आज पूजा बहन जी के साथ भी इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा जी, और हम दोनों ने मन बनाया है जी, गौ संवर्धन के लिए वेद का क्या आदेश है जी। बिल्कुल हाँ, तो वेद का जी, पंडित जी आपने तो मुझे बताया, मतलब जितने भी जहां जहां पे लिखित है ये सारी चीजें जो हमें बताती हैं और समझाती हैं गौ का महत्व, अब मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ और इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा अच्छे से मार्गदर्शन करें मेरा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गौ हत्या या गौ को किसी मतलब बुचर के पास बेचना भी बहुत बड़ा पाप है, और तो 8 लोगों का नाम भी बताया आपको। अच्छा, तो ये सारी चीजें मतलब हैं लिखित, मतलब बिल्कुल को मना किया गया है, वेदवाक है, वेदवाणी है जी, ये परमात्मा का उपदेश है। वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, आपसे तो चर्चा हुई है मेरी जी, और उसी वेद में ही परमात्मा का उपदेश है, और मनुस्मृति, मनुस्मृति जो हमारा आचार संहिता है जी, मनुस्मृति हमारा आचार संहिता है, लेकिन मनुस्मृति के खिलाफ आज लोग प्रचार कर रहे हैं और मनुस्मृति में कुछ अपभ्रंश है, उन अपभ्रंशों को लेकर के लोग उजागर कर रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति जो विशुद्ध मनुस्मृति हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने लिखा है जी, अगर आपको भी मौका मिले तो आप सरसरी निगाह उसमें दौड़ा लेना, अगर आपको वो ना मिले तो मुझे बताना, मैं उपलब्ध करा दूंगा जी 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 जी। तो मेरे लाइब्रेरी में वो विशुद्ध मनुस्मृति वो सब मैं आपको मुहैया करा दूंगा जी। हाँ देखिए, मनु महाराज और लिखते हैं, गुरु बाल वृद्धो ब्रह्मणम वा बहुश्रुतम आतताई नाम यंतनाम हंत हत्याए देवा विचारणम, यानी चाहे गुरु हो, अब देखिए यहाँ पर क्या बतला रहे हैं मनुस्मृति में जी, चाहे गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, अथवा वेदों का बहुत सुनने वाला हो, जो आतताई है उनको बिना विचारे ही मार देना चाहिए जी, मनुस्मृति जी, मनुस्मृति में आया है जी। गुरु जी जी बताइए जी। अब पंडित जी मेरे मन में एक सवाल आता है कि मैं अक्सर जब इस आपने जितनी भी बातें बताई हैं डिटेल में, इसको अगर संक्षेप में मैं किसी को बताती हूँ
तो लोग फिर मुझसे उल्टा सवाल पूछते हैं, मतलब जो अधर्मी है वो उल्टा सवाल पूछते हैं कि आप लोगों में तो गौ में दिया जिन भी है और उसके बाद फिर अश्व में दिया जिन भी है और ये सब भी है, तो ये थोड़ा आप समझाएं या रोशनी डालें पंडित जी कि मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जब ये सब काउंटर में जब बात सुनने को मिलती है उल्टे तरफ से, तो फिर मतलब हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा आप रोशनी डालें पंडित जी। असल में ये बातें जो है ना, गो में दियज क्या है, अश्व में दियज क्या है, नर में दियज क्या है जी, इसको तो लोगों ने जाना नहीं, ये केवल अफवाह उड़ाने के लिए, वेद को बदनाम करने के लिए, या वेद को बदनाम या क्या करेंगे, वैदिक संस्कृति के मानने वालों को चिढ़ाने के लिए ये सब बातें करते हैं। अच्छा, ये सब बातें केवल अश्वमेध यज्ञ के माने घोड़ा काट करके आहुति देने, अग्नि में आहुति देना नहीं है जी। गोमेध माने गौ का मांस से अग्नि में आहुति देना नहीं है जी। नरमेद के माने मनुष्य को काट करके अग्नि में आहुति देने की विधि नहीं है जी। वो क्या है उसको तो पहले जानना पड़ेगा ना कि अश्वमेध किसको बोला गया, नरमेध किसको बोला गया, गोमेध किसको बोला गया जी। ये कहीं पर भी काट करके उसके मांस से आहुति करने की बात, यहाँ हमारा सही पूछिए तो वैदिक संस्कृति का जो सोपान, जो पहली सीढ़ी है जी, वो सीढ़ी अहिंसा से शुरू हो रही है जी। तो हिंसा के बिना मांस का पाया जाना संभव कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझाया है। तो आप पंडित जी, तो फिर ये अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर जरा बता दें पंडित जी कि गौमेध और अश्वमेध और नरमेध, मतलब ये हम कैसे, मतलब इन सब चीजों को समझें जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। असल में लोग स्वाध्याय तो करते नहीं ना, ये सच्चाई को जानने के पक्ष में लोग नहीं है जी, अब तो लोग अफवाह उड़ाते हैं, यही तो बात है। तो आर्य समाज ने तो यही काम किया है जन्म से लेकर अब तक जी। ऋषि दयानंद ने जितना भी समय लगाया है इसमें, ऋषि दयानंद ने जो वैदिक संस्कृति को उजागर करने के लिए भी, उन्होंने ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार है उसी को उद्गार करना, उसी को जनमानस में लाना, ये अपना उद्देश्य माना है जी। से जनमानस में लाने के लिए इन सब चीजों को ऋषि दयानंद ने ही समझा है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आए लोगों, नरमेध माने जो आप समझ रहे हो वो नहीं है जी। हाँ, तो यहाँ मेध के शब्द का अर्थ इन्होंने यज्ञ से लिया है कि उसमें अग्नि में डालना जी, और अग्नि के अग्नि में डालने का अर्थ में नहीं आया वो जी। देखिए अश्वमेध यज्ञ उसको बोला गया है कि जब राजपुत्र को राज अभिषेक किया जाता है ना बहन जी जी, तो उनके राज के जो चौहद्दी होते हैं, उनके जो एरिया होते हैं जी, उन संपूर्ण एरिया में वो घोड़ा को दौड़ाते हैं। अच्छा, घोड़ा को दौड़ाते हैं तो घोड़ों के द्वारा सूचना दी जाती है जी, और उसी का नाम अश्वमेध है जी। राजकन्या भी जब जवान हो जाती हैं जी, तो उन्हीं घोड़ों के द्वारा और राज्यों के लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए घोड़ा दौड़ा करके उनको सूचना दी जाती है जी, और उसका नाम अश्वमेध यज्ञ है जी। यज्ञ के माने केवल अग्निहोत्र तो नहीं है ना, यज्ञ के माने है परोपकार जी। तो यज्ञ के माने जब परोपकार है तो वहां अग्निहोत्र से समाप्त हो नहीं होगा ना, अग्निहोत्र तो उसका एक अलग रूप लिया गया है जी। तो अग्निहोत्र में भी आप अगर आप उस पर भी विचार करेंगे बहन जी जी, इसमें बहुत ही रोचक और सिद्धांतिक मार्मिक बातों को ऋषि दयानंद ने दिया है, बताया है। जब हम आहुति डालते हैं ना, तो यहाँ अग्नि को अग्निर्वय देवा नाम मुखम बताया गया, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, तो दुनिया वाले देवताओं की पूजा करना चाहते हैं ना जी, तो जब देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो अग्नि सभी देवताओं का मुख है, एक अग्निदेव को खिलाने से सभी देवताओं का खाना हो जाता है, लोग इस चीज को समझने के लिए तैयारी नहीं हो रहे जी, और जानना भी नहीं चाह रहे जी।
जबकि बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी गई है। जी, आर्य समाज जन्म काल से इन्हीं बातों को लेकर के विश्व के आंगन में कूदा है और आर्य समाज का काम संपूर्ण विश्व में है, इवन सऊदी अरबिया में भी है। अच्छा, हाँ, मैं तो बहुत वीडियो में भी बोल रखा हूँ, बहुत सारे सऊदी अरबिया वाले मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बातों को सुन करके वो, किसी किसी ने वैदिक धर्म को स्वीकार किया और किसी किसी ने नास्तिकता को अपना लिया। अच्छा, यानी जो अरब कंट्री में, दोहा में, दोहा के कतर में भी मेरे द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी, ये तो सुन के बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मतलब आपने वहां भी स्थापना की। लोग जो जानते नहीं है, यानी 24-25% लोग मेरे फॉलोअर्स हैं बहन जी। जी, वहाँ 24-25% लोग मेरे फॉलोअर्स हैं और वो लोग देखते हैं, मेरे वीडियो को सुनते हैं बड़े उत्साह के साथ। जी, और ये आज आज वाला वीडियो मैं डाला हूँ, भूमिका मेरी है और हमारे गणेश दास हमारा ही शिष्य है, हमारा सिखाया हुआ है। जी, आसाम का है, उसने बोला है। अच्छा, तो आज आज वर्तमान समय में जैसा हारिस सुल्तान को आप जानती हैं, आप उसके चैनल में भी आपको देखा मैं। जी जी जी, तो हारिस सुल्तान भी मेरे साथ भी 2 घंटा माथापच्ची करी है उसने। जी 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 जी, ऐसे हारिस सुल्तान जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के इस्लाम जगत के लोग हैं। जी, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वो लोग नास्तिक बन गए। जी, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें सच्चाई को अपनाना नहीं है, हम सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते। जी, तो इन सब विषय में ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है और ऋषि दयानंद ने एक एक शब्द खोल खोल करके जनमानस को बताया है। जी, पर आर्यजनों के लिए जो कर्तव्य ऋषि दयानंद ने दिया है, ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वाण ठीक से नहीं कर पा रहे। जी, अगर ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते, जन जन तक पहुंचाते होते तो बात कुछ और होती। जी, तो खैर, जो हम हमारी और आपकी चर्चा है उसमें यहाँ यहाँ और भी बताया गया है, ज्ञावार्थे ब्रह्मणार्थे वा ब्रह्मणम वापी शंकरे विहो याता विप्रा विशौ शाश्वतम धर्म व्यापेक्षया। गौ और ब्राह्मण विद्वान की रक्षा के लिए, यहाँ गौ के साथ अब ब्राह्मण विद्वानों की रक्षा भी आई है यहाँ। जी, तो गौ जैसा गौ की रक्षा करनी चाहिए आपको, वैसे ही ब्राह्मण विद्वानों की भी रक्षा करनी चाहिए। जी, अब ब्राह्मण विद्वानों को तो आप गाली दे रहे हैं लोग। हाँ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अब तो। हाँ, तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है ना, ब्रह्मा जानाति सब ब्राह्मण। जी, जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। जी, संजय दीक्षित को इस पर वीडियो बनाने के लिए उसके साथ चैनल में जब मैं था, ये चर्चा आई, वो राम को ईश्वर बता रहा है, मैं फौरन उनको टोका वहीं पर और मैं उनसे समय मांगा तो समय देने के लिए वो तैयार नहीं हुए, उल्टा सीधा और बखान करने लगे। ये मैंने इसलिए उसको पोंगा पंडित करके एक वीडियो और बनाया उसके बाद में। तो ब्राह्मण उसको कहा जाता है, ब्रह्मा जानाति स ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्रह्म ब्राह्मण होता है। लेकिन ये ब्राह्मण ऐसे हैं, ना ब्रह्म को जानते हैं, कोई राम को ईश्वर माने बैठे, कोई कृष्ण को, कृष्ण को ईश्वर माने बैठे हैं, जबकि राम। जी हाँ जी पंडित जी, एक सवाल है मेरे मन में, अभी जो आपने कहा कि मतलब गौ बिल्कुल ब्राह्मणों और गौ दोनों की रक्षा करनी चाहिए, तो इससे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब ये भी कहा गया है पुराने मतलब जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें कहा गया है कि किस तरीके से हमें उन्हें रखना और मेंटेन करना भी है,
ये मैं आपसे पूछूंगी बट इसके पहले मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ पंडित जी, कि आजकल तो आर्टिफिशियल सेमिनेट कर रहे हैं गौ माता को, मतलब जबरदस्ती की, मतलब उनका वो वंश, मतलब वो बच्चा पैदा हो। दूसरी चीज कि उनको बिल्कुल छोटे छोटे संकरीय जगह में रखा जा रहा है, खाना भी मतलब जो सबसे सड़ा गला खाना है वो दिया जा रहा है, और सिर्फ और इंजेक्शन लगा के उनसे दूध निकाला जा रहा है। तो क्या ये सब पाप नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पाप है बहन जी। ऋषि दयानंद की जो गौ करना निधि पुस्तक है जी, मैं उस पुस्तक का आज सारा प्रिंट निकाला जी, तो उसको एक एक लाइन में बहुत अच्छे ढंग से देखा। ऋषि दयानंद जैसे आपने कही ना कि एक संकीर्ण जगह में गौ को रखा जाता है, ऋषि दयानंद उसमें साफ मना लिखा है जी कि उनको संकीर्ण जगह में नहीं रखनी चाहिए और ना कोई ऐसी चीज खिलाया जाए जो उसको हानि पहुंचे जी, और ना उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाए कि खाली दूध लेने के लिए ही आप उसको इंजेक्शन लगा करके उसका दूध निकालें जी, ये सख्त मना है जी। अच्छा, केवल उतना ही नहीं, मैं अभी जो आपको सुना रहा था ना, इसमें आपको ये बताया गया है कि गौ को और ब्राह्मणों को विद्वानों की रक्षा के लिए और शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, और बोला मैं जी, जब ये प्रजा वर्ण शंकर हो जाए जी तो जब ये प्रजा वर्ण शंकर हो जाने, वर्ण शंकर होने से उनको भी बचाना चाहिए, और ये ब्राह्मण और वैश्यों का काम है जी कि वो इसके रक्षा के लिए शस्त्र का धारण करें। अच्छा, हाँ, तो यानी चीज की अनुमति दी गई है कि आप शस्त्र से आप रक्षा करें ब्राह्मण और गौ माता। हाँ, तो वो तो मैं बोला ना पहले कि ऋषि दयानंद ने वहां पर वेद मंत्र के द्वारा ये हवाला दिया है जी कि गाय मारने वाले को जी शीशे की गोली से भून देना चाहिए जी, यानी गाय मारना पाप है जी, लेकिन ऐसे पापी को मारना पाप नहीं है जी। अब सवाल आएगा कि पापी को मारना पाप क्यों नहीं है, जब कत्ल करना पाप क्यों नहीं होगा? हाँ, कत्ल करना पाप इसीलिए नहीं होगा कि वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, यहाँ इसको वैदिक हिंसा में लिया है। अच्छा, हाँ, कि गाय मारने वाला को मारना ये हिंसा नहीं है, ये वैदिक हिंसा है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती कहा गया है, वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है जी। तो यहाँ वेद में आया है कि गाय मारने वाले को शीशे की गोली से उसको भून देना चाहिए, वो मैं पहले ही बोला था जी। अब यहाँ योगेश्वर कृष्ण भी गीता में उपदेश क्या दे रहे हैं अर्जुन को जी, गीता में सज्जनों के परित्राण तथा दुष्टों के विनाश के लिए, देखिए वहां परित्राण आया, साधु नाम विनाश आया था, दुष्कृताम जो बोला गया ना जी जी जी, आपके चैनल में भी वो महाशय जी सुना रहे थे यदा यदा ही। हाँ, तो यहाँ योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि दुष्टों को विनाश के लिए बार बार अतरित होने का वचन दिया है तथा अर्जुन को आदेश दिया है कि दुष्टों का नाश करो जी, परित्राणाय साधु नाम जी, विनाशाचा दुष्कृताम जी, यानी साधु महात्माओं की रक्षा और दुष्कृत कार्यों का नाश जी, ये योगेश्वर कृष्ण का उपदेश है जी। और उसमें योगेश्वर कृष्ण और बोल रहे हैं कि भले ही वह तुम्हारे मामा हो, चाचा हो, नाना हो, भाई हो, भतीजे हो और निकट के कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो जी। इसमें आप देखेंगे कि योगेश्वर कृष्ण ने भी अपने मामा की हत्या करी कि नहीं करी जी। अब जो लोग योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, मैं अकल के दुश्मनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ईश्वर के मामा भी होते हैं क्या? कंस कौन था?
कृष्ण का मामा था या नहीं था? जी जी जी, क्या इसको डिनाई कर सकते हैं? ये ब्राह्मण कहलाने वाले जो ये बोल रहे हैं कि क्या ये इसको डिनाई कर सकते हैं, कहा कृष्ण का मामा कंस नहीं था? और योगेश्वर कृष्ण स्वयं यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा चाचा हो, मामा हो, नाना हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, दुष्कृतकारी का नाश करना ही धर्म की रक्षा है जी। इसलिए बल्कि एक संवाद मैं आपको सुना रहा हूं जी, यद्यपि आपके चैनल में मैं एक बार बोला भी था जी, ये जब योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा ना जी, तो अर्जुन उसको इनकार किया। अर्जुन बोले कहा किससे युद्ध करूंगा, कोई भाई है, भतीजा है, चाचा है, ताऊ है, सब अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, मैं युद्ध क्यों करूंगा जी। तो जब अर्जुन ने मना किया तो योगेश्वर कृष्ण असंतुष्ट हुए जी। असंतुष्ट हो करके उन्होंने कहा कि युद्धम तु क्षत्रिय धर्मा ततम कतम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियो का धर्म है, इसे त्यागते हुए तुम कहां चले जाते हो जी। अर्जुन ने बोला एतान बंधवान बिना बीजैन राज्येन चा किं सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं? योगेश्वर कृष्ण ने उनको जवाब देते हुए कहा तुम नावगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीयः बद्ध एव, कि तुम नहीं जानते हो ये पापी है, दुष्ट है, बद करने योग्य है। बहन जी ये वाक मेरे नहीं है और ये वाक आपके भी नहीं है, बहन कालिदासी जी के भी नहीं है, ये वाक योगेश्वर कृष्ण के हैं जी। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को तुम नहीं जानते हो ये पापी है, दुष्ट है, बद करने योग्य है। जो लोग योगेश्वर कृष्ण को मानते हैं या उनके नाम से महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाते हैं, रासलीला रचाते हैं और ना मालूम क्या क्या करते हैं, अगर वो लोग योगेश्वर कृष्ण के इन्हीं एक उपदेश को आत्मसात करते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। तो फिर अर्जुन ने फिर बोला कि इमे मृत्युं तु गमिष्यन्ति महत् पापं भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं लगेगा। फिर योगेश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं बहन जी देखिए, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं नहीं एतत् पापं आत्मा मृत्युं न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति युद्धम तु क्षत्रिय परमा धर्म अतः युद्धम कुरु, ये रहे हमारे देश के गुरु। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का ही नाश होता है जी। आत्मा अजर है, अमरा, इसका कभी भी नाश नहीं होता। युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, वहां परमा शब्द भी जोड़ दिया जी। युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम युद्ध धर्म और अधर्म के लिए कर रहे हो जी। आज कुछ मौलाना हमें भी बताते हैं, और अब्दुल्ला तारिक से जब डिबेट हुआ तब अब्दुल्ला तारिक ने भी प्रयास किया जी। तो यहाँ कुरान में तो गैर मुस्लिम को मारो साफ शब्दों में बताया गया है जी, लेकिन गीता में या वेद में ये तो नहीं बताया गया कि मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनियों को मारो, बुद्धों को मारो, ये नहीं बोला गया जी। वहां पर आततायियों को मारो ये बताया गया है जी, दुष्टों को मारो ये बताया गया है, राष्ट्रद्रोहियों को मारो ये बताया गया। और ये बहन जी आश्चर्य की बात यह है कि ये हर एक के लिए भी नहीं बताया है, हर एक करो इस काम को ये भी नहीं है, राजा के लिए ये सुपुर्द किया गया है जी। राजा को चाहिए जी कि आतताइयों को विनाश करे, आतताइयों का नाश करे जी। हर एक आदमी के लिए अगर ये प्रचार होता, हर एक आदमी के लिए ये उपदेश होता कि मारो, जैसा आज इस्लाम वाले कर रहे हैं, नरसिम्हा नाम की गलती को बता रहे हैं कि उसने गुस्ताख़े रसूल बोला है इसलिए उसको कत्ल करना चाहिए जी। और एक कोई मुफ्ती सलमान है वो कह रहे हैं कोई, वो जबकि बरेलवी अकायद वाले हैं, खैर कहीं कभी हो, वो कह रहा है कि अग्नि जलाई जाए उसमें मैं भी कूदूं और तुम भी कूदो जी। सुना है आपने वीडियो जी 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 जी। और आपके माध्यम से आपके चैनल में मैं ये बोल रहा हूँ, ये जाहिल है, अपढ़ है, अकल के अंधे हैं
अरे जाहिलो, क्या उस अग्नि को भी पता है कि मोहम्मद के खिलाफ कौन बोला, मोहम्मद के ऊपर कौन बोला और मोहम्मद की रक्षा के लिए कौन बोल रहा है? ये अग्नि को पता है जी। अभी से बड़ी जहालत और क्या है जी। इसलिए मैं आज भी एक व्हाट्सएप ने मुझे लिख करके, माने कि ये दोनों ही अकल के दुश्मन है। वो हर हर महादेव कह रहा है। हर हर महादेव का क्या मतलब हुआ? हर हर महादेव का क्या तात्पर्य है? ये दोनों ही पाखंडी है, जैसा मुफ्ती सलमान वो भी पाखंडी है और ये नरसिम्हानंद भी पाखंडी है। ये तो पिछले दिनों बलि चढ़ाने के लिए उपदेश दिया था, उसी दिन ही मैं इसके खिलाफ वीडियो बना करके दिया था। बट पंडित जी, अभी तो पंडित जी धर्म की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आते हैं, ये तो कम से कम सामने भी आए हैं नरसिम्हानंद जी। ये धर्म की रक्षा के लिए बलि दे करके धर्म की रक्षा करेंगे आप? तो बलि कहाँ दिए पंडित जी? मतलब मैंने बली, नहीं बली का समर्थन में उसका वीडियो है, देख लीजिए उसको। और वो ये बोला है कि बलि ना देने के कारण भी हमारे युवा ये नपुंसक बन गए, बलि देने से मर्द बन जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि जब हमारा वैदिक मान्यता, वैदिक सत्य सनातन, वैदिक धर्म का काम शुरू होता है अहिंसा से जी। जो यम नियम को आप देखें, वहां पर अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बोला गया जी। हिंसा करने वाला कभी भी ईश्वर का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। और ये अपने को धर्म की रक्षा के लिए आप कह रहे, धर्म की रक्षा के लिए ताम झाम चाहिए, गले में रुद्राक्ष माला पहनिए के लिए दुनिया भर का ताम झाम करके धर्म की रक्षा करेंगे आप? और यहाँ शास्त्र में आया नलिंगम धर्म कारणम, धर्म की रक्षा के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तिलक आड़ा लगाएं, खड़ा लगाएं, कुछ लगाएं, ये लगा करके रुद्राक्ष पहन करके दुनिया को, दुनिया के लोगों के सामने आए, ये धर्म नहीं है, धार्मिक नहीं है ये जी। वहां तो साफ मना क्या है, ना लिंगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो ये धर्म थोड़े जानते हैं। अब उस धर्म में कहाँ है हर हर महादेव का, कहाँ आएगा? वैदिक संस्कृति में ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, तो आपको ऐसी बात कहनी ही क्यों पड़ी जिसके कहने पर लोग आप पर मुस्ताके रसूल बोले? अब उनकी मान्यता ऐसी है, जगह भी पिछले दिन कांग्रेस भी मारा ना जी, ऑस्ट्रेलिया भी मारा उस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया नहीं फ्रांस में जी। वो फ्रांस वाला वो जगह सब मेरा देखा हुआ है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, सब देख करके आया हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, ये इनकी तो जुनून है, तो इनके रक्त कुत्ता पैर में काटेंगे तो आपके भी कुत्ते के पांव में काटेंगे। कुत्ते का काम ही यही है भौंकना जी। तो आप उसको जवाब देने के लिए आप अपने अपने हिसाब से, हमारे वैदिक संस्कृति में हमारा जब अहिंसा से काम शुरू हो रहा है जी, अहिंसा परमो धर्म बताया गया है, लेकिन ये मत समझिएगा कि केवल बुद्ध ने बोला है। बुद्ध ने नहीं बोला, बुद्ध ने तो हिंसा भी की है। उन्होंने कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दिया, क्या यह अहिंसा था? वैदिक संस्कृति में देखिए, यहाँ पहला सोपान ही अहिंसा है। यम नियम में जब आप देखेंगे तो वहां पर पहला सीढ़ी अहिंसा है। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शोच स्वाध्याय तप संतोष ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम में ये पांच पांच दस बातें आई हैं जी। और इसको अपनाए बिना कोई योग नहीं होगा, इसको अपनाए बिना परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। तभी योग के माने जोड़ होगा ना जी। तो जोड़ के लिए जब हम किसको किसके साथ जोड़ेंगे तो हमें जानना चाहिए पहले ना, या जहां मन करेगा वहीं जोड़ देंगे जी। तो वेद मना कर रहा है, वेद ने तो साफ मना किया। मैं तो बहुत सारा प्रमाण आपको दिया हूं कि वेद में इन कामों के लिए साफ शब्दों में मना किया, कोई भी गाय के लिए नहीं, पशु हत्या ही निषेध है जी। अब
पंडित जी एक कंपैरिजन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा करके हमारे दर्शकों को एजुकेट करें पंडित जी, कि मैंने पढ़ा है कि कुरान में भी कुछ आयतें लिखी हैं कि सुनहरी गाय, सुंदर गाय, मिडिल एज गाय, उसी को मतलब आप उसकी हत्या करके उसका भक्षण कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों तो बिल्कुल उल्टा है पंडित जी। अगर हम देखें तो हमारा वैदिक जो मतलब नॉलेज है और हमारे जो वैदिक मतलब संस्कार हैं वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं वो कुरान के इससे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब महन जी, मैं इसी पर ही मेरा सारा काम किया हुआ, मैं अपने पुस्तक में लिखा हूँ कि इन बेजुबानों को काटने से पहले अल्लाह से डरे, अल्लाह का तो परस्पर विरोधी उपदेश है। और भली भांति आप इस चीज को जानती होंगी जी, आप कह रहे हैं उल्टा है, तो कौन सा काम इन्होंने सीधा किया है, एक नाम बताइए जरा। कुछ भी नहीं पंडित जी। जब सारा काम इनका उल्टा है तो हम उनसे उम्मीद क्या करें, सीधा काम का कौन सा उम्मीद करें उनकी उनसे। तब तो पंडित जी हम कभी भी एक साथ शांति से नहीं रह सकते, ये तो मतलब तो कुरान में मना किया, कुरान ने मना किया ना, उनकी गलती थोड़ी है, वो तो पत्थर की लकीर मानते हैं कुरान को जी, कुरान को वो ब्रह्म वाक्य मानते हैं जी, तो कुरान में जो बात लिखी हुई है उसी पर ही तो अमल करेंगे, आपके हमारे कहने पर थोड़ी अमल करेंगे वो जी। और जो लोग अमल कर रहे हैं तो वो नास्तिकता को अपना रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। जो लोग इसे सच्चाई जान रहे हैं, समझ रहे हैं जी, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी रोजाना आ रहे हैं और इस तरीके से। और आपको मैं बताऊं, हमारे डॉक्टर मिर्जा साहब भी मुझे कुछ लिख करके भेजते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन उनके यहाँ हम डाल नहीं सकते, वो वन वे है। अच्छा, तो मैं ये लिख करके उनको बता नहीं पाया कि बहन जी के साथ, बहन जी के चैनल में आ रहा हूँ मैं आज। अच्छा, नहीं मैं उनको भेज दूंगी, उनको पता चल जाएगा जी जी जी। और मैं आपके साथ एक सेशन रख दूंगी ताकि आप भी थोड़ा हम लोगों को और बता सकें कुछ अच्छी तो अच्छी। यहाँ आपने जो बताई ना कि कुरान में ये काटने का है कि नहीं है जी, कुरान में तो सूरह मायदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है जी कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंजीरि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि वल मुनखलकात वल मौकूज़ात वल मुतरद्दियात وما اكل الصبح الا ما زكيتم وما ذبح على النصب جی ذبح کرو ان کو وہ تو کن پشو کو کاٹیں گے ان کے لیے چرچا ہی ہے کہ ان کو کاٹو ان پشو کو کاٹو جس کے کان کٹے نہ ہو آنکھ ہتے نہ ہو ٹانگ ٹوٹے نہ ہو پونچھ کٹے نہ ہو کسی پرکار کا کوئی نقص نہ ہو जी। अच्छा, अब तमाशा इसमें देखिए बहन जी, बहुत आश्चर्य की बात है और भली भांति आपको भी मालूम है जी, जब अल्लाह का ये हुकुम है जी, कोई खूत वाला पशु चलना नहीं है, चलने वाला नहीं है, खूत वाला मने दोषपूर्ण जी जी जी, कान कटा, सिंह टूटा, आंख फूटा जी, तो जब ये पशु चलना नहीं है अल्लाह उसको पसंद नहीं करेंगे जी, तो अल्लाह पसंद क्या करेंगे, बिल्कुल साबुत जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जी, उन पशुओं के मांस से अल्लाह का क्या संपर्क, उन मांस से अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है जी। और ये घटना जब से घटी है इब्राहिम और इस्माइल को, उसमें सुनिए तो उसमें तो मेरा वीडियो लगा हुआ है, मैं तो उसमें बिल्कुल नचा के रखा हूं जी, कि ये जो गप है महागप है और विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, साइंस की विरुद्ध भी है जी। तो मैं अभी वसीम रिजवी का ये PIL में जो रिजेक्ट हो गया ना जी 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 जी, उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अभी एक दो दिन में बना। अच्छा, हाँ, तो वसीम रिजवी ने जो PIL दाखिल की थी ना जी जी जी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके 50,000 रुपया जुर्माना भी लगा दिया जी।
सुप्रीम कोर्ट ने, पर वसीम रिजवी की जो मंशा थी वो मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा, यद्यपि उसके समर्थन में हम चारों भाई बहनों ने उसका समर्थन किया था जी आपके चैनल में जी, तो वसीम रिजवी का कहना यह है कि हजरत अली ने जो कुरान लिखी थी उसको तुमने नाकिस कर दिया जी। हजरत उस्मान गनी ने जो फाइनल करके दिया उसे ही तुम क्यों मान रहे हो? उसका उसका झगड़ा यहाँ है क्योंकि वो शिया है ना। अच्छा हाँ, उसका झगड़ा यहाँ है कि ये हजरत उस्मान गनी ने अपने तरफ से तो नहीं मिला है हजरत अली वाला कुरान, लेकिन उसमें गलती ये हुई है कि वो इसको दिखाता, अगर हजरत अली वाला कुरान उसको चाहिए था वो ये दिखाता, हजरत अली के कुरान में ये सब आयतें नहीं है जिस 26 आयतों को मैं दे रहा हूँ जी, लेकिन वो दिखाया नहीं, इसको दिखाना चाहिए था। कुरान में ये केवल 26 आयतें नहीं है, ऐसे और 3600 आयतें हैं, तो पूरा ही बदलने की तो जरूरत है। उन्होंने तो खाली 26 को फाइल किया पंडित जी, मेरे हिसाब से तो पूरी किताब को ही रिपब्लिश कर देने की जरूरत है। मैं तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटीशन वाली किताब को पढ़ेंगे तो उसमें पा जाएंगे आप, वो सारा रेफरेंस मेरा ही था सीएम चोपड़ा को तैयार करने में। अच्छा हाँ, और शायद कलकत्ता में जो वो पेटिशन दी गई थी उसके सीताराम गोयल जी ने भी तो एक दिया था ना, पुस्तक छापी उन्होंने, उसी उसी चीज को छाप दिया है जूं का तूं। अच्छा हाँ, वो अपने जो जिस वकील साहब के माध्यम से वो तैयार की गई थी, दोनों लोग थे उसमें केस को दायर करने के लिए, पद्मा हस्पिटल के इजलास में सीएम चोपड़ा और शीतल सिंह, ये दो नाम है। शीतल सिंह हैदराबाद के रहने वाले हैं और वो आए थे कलकत्ता में, एक नंबर मुंशी सदरुद्दीन लेन में आर्य समाज में बैठ करके ये सारा काम किया, और उन दिनों में मैं रहता था बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में 42 नंबर शंकर घोष लेन में। अच्छा, और जिस दिन उसका फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिस दिन उसको चेक करके दिया जा रहा है, उस दिन मेरे साथ भी एक ऐतिहासिक घटना थी, मेरी सास मरी थी उस दिन। हाँ, मेरी सास मरी थी उस दिन, और कुछ लोग मेरे पास ये सूचना लेकर के आए, टर्मिनल जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, मैं गया भी नहीं जी। तो उसी दिन ये सब फाइनल रिपोर्ट हम देख रहे थे जी। तो सीताराम गोयल ने मेरा नाम उसमें नहीं दिया है, तो मैं तो नाम के लिए काम नहीं किया हूं ना कर रहा हूं जी। तो उसमें जो सीताराम गोयल जी ने जो छापा है द कलकत्ता हाईकोर्ट पुराण पिटीशन पुस्तक का नाम है, तो उसमें सीएम चोपड़ा ने सरकार को चैलेंज किया, वो चैलेंज किया था जब हमारे यहां पर हमारे संहिता में भारतीय कानून में मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं होनी चाहिए, अगर कोई किसी को मारने के लिए कहता है उसकाता है तो वो भी सजावार है, खतावार है, कसूरवार है, सजा याफ्ता होना चाहिए उसे भी। तो कुरान में ये क्या लिखा है, उसने एक चुनौती दी थी जी, और ज्योति बसु थे, ज्योति बसु ने उस पर वो कार्रवाई करी, लेकिन उन दिनों में ऐतिहासिक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ बहन जी जी, के जो पुलिस कमिश्नर थे माननीय विकास कली बोसु जी, और उनके साथ मेरा अच्छा संपर्क रहा बहुत, उन्होंने कई बार बोला करके मेरे साथ मीटिंग किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जब कुर्सी में हूँ तो एज ए आईपीएस ऑफिसर जी, लेकिन जब मैं घर में हूं तो मैं एक कायस्थ। अच्छा हाँ, अब कुरान पिटीशन का जिस दिन पद्मा खस्तगीर के इजलास में जिस दिन उसकी हेयरिंग थी, वो विकास कली बोसु ने पूरा भरोसा दिया हम लोगों को और पूरा प्रोटेक्शन दिया। अच्छा, ये सीएम चोपड़ा का नुकसान ना होने पाए। अच्छा, बहुत सारे संगठन के लोग गए थे, पर आर्य कलकत्ता आर्य समाज से हमारे मित्र एक दो गिने चुने लोग गए थे, समाज का कोई योगदान नहीं था उसमें। मैं क्या क्या बताऊं, मैं बताऊंगा तो आपको भी
रोना आ जाएगा। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में आता है, फिर हम थोड़ा पब्लिक का भी सवाल ले लेंगे ऑडियंस के। मेरे दिमाग में एक सवाल है पंडित जी, कि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर सारे देवी देवता विराजमान है, सब उनमें ही है, तो ये क्या गौ माता की गुणवत्ता के कारण हमें मतलब इस तरीके से कहते हैं? जी जी, उसमें वो गुण जो है वो दूध से लेकर के गोबर तक तो मैं सुना है आपको। जी जी जी, तो उसमें गोमूत्र में क्या उपकारिता है, गोबर में कौन सी उपकारिता है, और गाय के दूध में कितनी शर्करा है, गाय के दूध में सोना तत्व ज्यादा है, ये सब मैं सुना है ना, वेद का ही हवाला था वो सारा। जी 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 जी, तो पंडित जी अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी गुणवत्ता के कारण गौ का वो महत्व दिया गया हमारे धर्म में। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। बट पंडित जी, आज तो पूरा ऑपोजिट है और उल्टा है, कोई गौ को भी नॉर्मली तो उनसे दूध नहीं लिया जा रहा, तो क्या ये अधर्म नहीं है? ये बस मेरा एक सवाल है आपसे, आप थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल अधर्म है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ परेशानी क्या हो रही है मैं आपको बताऊं? जी, अगर ये सच्ची बात बताऊंगा तो ये लोग पिनक जाएंगे। जो हिंदू अगर गौ रक्षक हो गया होता ना तो बात कुछ बनती, ये हिंदू गुरु ही तो मरते दम तक गोमांस खाते रहे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस देव हो या विवेकानंद हो, और ये सच्चाई सुनने के लिए तैयार है क्या? अच्छा, पढ़ के देखिए ना, स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनजाने सच, शंकर की लिखी हुई पुस्तक है, वो तो बंगला में लिखा था अंग्रेजी में, वो फिर उसका हिंदी भी किया है, पेंगुइन प्रकाशन वालों ने छापा है, और अपने आर्य समाज के विद्वान डॉक्टर भवानीलाल भारतीय जो के पंजाब यूनिवर्सिटी के रीडर रहे हैं, उन्होंने लिखा है ऋषि दयानंद और स्वामी विवेकानंद, उस पुस्तक को भी देखिए। स्वामी विद्यानंद विदेह जी ने भी लिखा है, जो कई डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, लक्ष्मी शंकर दीक्षित नाम था उनका, बाद में सन्यास लिया तो स्वामी बन गए वो। जी, स्वामी विद्यानंद, उन्होंने लिखा है विवेकानंद और ऋषि दयानंद के लिए, और सारा हवाला विवेकानंद के पुस्तक से उठा करके दिया है। स्वामी विवेकानंद तो अपने लोग, इसीलिए तो मैं लाख गुना अच्छा मानता हूं ऋषि अरविंद जी को। ऋषि अरविंद ने उन मैक्स मूलर आदि लोगों के किए हुए वेदभाष को नहीं माना, और स्वामी विवेकानंद उस पर मोहर लगा रहे हैं जी। पर ये हिंदू कहां समझने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है? ये तो कहेंगे हमारा विरोध कर रहा है, जैसे वो संजय दीक्षित ने लिख दिया अपने पेज में कि मैं हिंदू विरोधी हूं, और उस वीडियो में कॉपीराइट भी मार दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यही लोग अगर सुधर गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। इन्हीं लोगों के कारण आज हम दोनों ही एक्स हैं, एक्स जी, और हम दोनों भाई बहन चर्चा कर रहे हैं गौ माता पर जी, गौ की रक्षा के लिए वेद का प्रमाण, मनुस्मृति का प्रमाण दे करके इसके प्रतिपादन में हम बोल रहे हैं जी, और हिंदू ही मानने के लिए तैयार नहीं है इसे, तो हिंदू गुरु ही गोमांस खाते रहे मरते दम तक, ये मानेंगे क्यों? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही दुखद मतलब चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए आरएसएस वालों ने ऋषि दयानंद को प्रधानता नहीं दी, स्वामी विवेकानंद को प्रधानता दी है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा वेद में नहीं है बोला, इसलिए ऋषि दयानंद को इन्होंने टरका दिया, और जो मूर्ति पूजक थे मूर्ति पूजा करने के लिए बोला उनको समर्थन कर दिया इन्होंने, और जब मूर्ति पूजा करने के लिए विवेकानंद ने खुद लिखा है कि मूर्ति पूजा करना घटिया दर्जे की उपासना है, वो खुद बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़िया दर्जे की उपासना आपके पास है, तो बढ़िया दर्जे की उपासना अगर आपके पास है तो आप घटिया दर्जे वाली उपासना क्यों कर रहे हैं? केवल इतना ही नहीं, यही नहीं रुके वो, उन्होंने और लिखा कि मूर्ति पूजा करना प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है,
तो जब प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है मूर्ति पूजा करना, तो आप जन्म से लेकर के या होश संभालने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक प्राइमरी स्कूल में ही रहेंगे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे आप। तो मरने से पहले कौन कौन लोग हैं जो मूर्ति पूजा छोड़ दिया है, जो प्राइमरी क्लास की पढ़ाई आप बता रहे हैं उस प्राइमरी क्लास से निकला कौन हिंदू, यूनिवर्सिटी में कहाँ गए या हाई स्कूल तक कहाँ पहुंचे, उसी प्राइमरी स्कूल में फंसे पड़े हैं। और ये विवेकानंद का कहना है, इसलिए दूसरे लोगों को देखिए, इस्लाम की तो मान्यता है वो गोकशी करना, वो तो कुरान कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है गोकशी के लिए, लेकिन जो गौ रक्षक, ये गौ की प्रधानता तो ये वैदिक संस्कृति में है ना जी, तो वैदिक संस्कृति को मानने वाले हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे जी, बिल्कुल सनातन धर्म हिंदू ही होंगे, सनातन धर्म वाले ही इस वैदिक संस्कृति की रक्षा करने वाले होते तो इनके गुरुओं को मांस खाना पड़ता। इस पर जरा सोच करके देखिए, दिमाग दौड़ाइए जरा, ये तो सोचने का विषय है, मतलब ये आप कह रहे हैं तो जी जी जी। और मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, मेरे उस्तादों ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ जी। तो जिनकी संस्कृति में, जिनकी संस्कृति में गौ रक्षा करना वेद में, मनुस्मृति में और जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, सब जगह गौकशी करना मना लिखा है जी, गाय की रक्षा लिखा है जी, गाय को माता बताया है जी, पर ये हिंदू ही तो गाय को बेचते हैं ना मुसलमानों के हाथ, इसको भी तो पाप मैंने कहीं पे पढ़ा था पंडित जी की। मैं ही खुद बोला आठ लोगों को दिखा दिया, आठ दिखाया हाँ। आठ दिखाया जी, आठ दर्शाया, आठ लोग पापी हैं जी। और पंडित जी एक और चीज मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपने तो मतलब बहुत ही खूबसूरती से समझाया गौ माँ का महत्व, अब यहाँ पे तो एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बीफ एक्सपोर्ट भी चलता है, उसके बाद फिर चमड़े का कारोबार चलता है, तो फिर मतलब समृद्धि और मतलब शांति कहाँ से रहेगी अगर ये सब चलता रहा। हाँ ये आप बिल्कुल 100% सही कह रही हैं और मैं पूरा समर्थन करता हूँ आपकी इस बात का, और इसमें समर्थन इसलिए करता हूँ कि ऋषि दयानंद ने राजा के लिए लिखा है कि उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, तुम गौ मांस एक्सपोर्ट मत करो जी। और ये आज गौकशी के लिए यहाँ वहां प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो जो तुम बाहर अरब वालों को भेजते हो, तुम भेजना बंद करो ना अपना पहले जी, ये काम तो सरकार के हाथ में है जी, तो सरकार तो खुद जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाए। आप 370 धारा आपको दिखाई दे रहा है, राम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, तीन तलाक आपको दिखाई दे रहा है, और गौ मांस विदेश में भेजने के लिए वेद का उपदेश क्या है नहीं दिखाई दिया आपको जी। मैं तो डर के चोट में कहूंगा इस बात को जी। अरे ये काम तो आपके हाथ में है, ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्या केवल वही व्यापार है, उसके अतिरिक्त भी व्यापार तो कर सकते हैं आप, किया जा सकता है जी। और ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि एक गौ की रक्षा के लिए कितने पीढ़ियों का उद्धार होता है, ये सारा ये देखिए, ये सारा प्रमाण इसमें जी, गोपाष्टमी विशेषांक ये दयानंद संदेश वालों ने निकाला, दयानंद संदेश एक पत्रिका निकलती है दिल्ली से जी, जो आज प्रथा साई ट्रस्ट वालों की है, ये दयानंद संदेश ये जो पुस्तक है इसका गोपाष्टमी विशेषांक निकाला था ये जी। और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं जी, ये मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ तो मैं आपको भेज देता हूँ कल जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, कुछ कुछ अब कमेंट्स आ गए हैं तो थोड़ा हम कमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कौन भाई जी, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे वैभव चौधरी जी कह रहे हैं,
पंडित जी की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, बाबा रामदेव के गुरुकुल में धर्म योद्धा तैयार हो रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपको जुड़े रहिए बहन जी के साथ और हम लोगों के साथ, कि हम ही लोग हैं जो सत और असत का निर्णय लोगों को सुना रहे हैं, दे रहे हैं। बहन जी को जितना भी हो सके सहयोग करिए और धन्यवाद दीजिए कि बहन जी, हालांकि हमारा परिचय बहुत बाद में हुआ है, हम दोनों हैं एक घर के जी। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं पंडित जी। यहाँ पे एक राकेश गौड़ा जी हैं, कह रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में हॉर्स के ऑर्गन के साथ वेरियस चीजों का कंपैरिजन किया गया है, एग्जांपल सन मून, वहां पर हॉर्स के सैक्रिफाइस भी बता लिखा है। ये महा झूठ है और ये बौद्धिस्टों ने ये प्रचार किया है, इसके ऊपर साइंस जर्नी वालों को मैं जवाब दे रखा हूँ, उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, मैं इसका जवाब दे रखा हूँ। इसका जवाब कोई हिंदू ने नहीं दिया, ना हिंदू जानता है इस चीज को कि सच क्या और गलत क्या है। ये हिंदू ही अगर सच को स्वीकार कर लेते होते ये सारे काम बौद्धिस्टों के द्वारा हो रहा है। जो ये भीम भीमटे फिमटे ये जितने भी है ना, इन्हीं लोगों के द्वारा ये हो रहा है। और इसको ये तो लिखा है कि घोड़ों के साथ महिलाओं का संभोग करवाना चाहिए, यहां तक बोला वो। अब वो बोल रहा है कि बेल के वेद की चमड़ी उधरेंगे, इस नालायक मूर्ख को जाहिल को ये पता नहीं कि बेल कोई वेद कोई जीव जंतु नहीं है जिसकी चमड़ी उधारने की बात तुम कर रहे हो जी। पर मैं जवाब दे रखा हूँ, सुन लीजिए उस वीडियो को जी। अब हम दूसरा कमेंट एक लेते हैं। हिंदुत्व वाणी कह रहे हैं राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, उनका अश्व उनके ही पुत्र लव कुश ने पकड़ लिया था, फिर राम भगवान अपने ही पुत्रों से युद्ध करते हैं। इस बारे में तो मुझे जानकारी कम है। आपने तो स्वस्तिक का चिन्ह भी लगाया, हिंदुत्व वाणी आपने दिया है, लेकिन राम ने कहा किस लड़के से किन पुत्र से युद्ध किया है, जरा उसका हवाला देते तब ना समझते हम जी। राम ने आपने तो भगवान माना, भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान होता है ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यशाली, तो ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यशाली थे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राम ईश्वर नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि राम हो या योगेश्वर कृष्ण, ये दो ही महापुरुष हमारे हुए हैं, दोनों महापुरुषों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, उन्होंने इन गलती का विरोध किया, गलत करने वालों को रोका। वहां पर बोला ना कि चाहे मामा हो नाना हो चाचा हो भाई हो भतीजा हो, अधर्म है अधर्मी है तो उनके साथ ठीक ठीक बर्ताव करना, जवाब देना, उनको कत्ल करने में भी पीछे नहीं हटना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण दो महापुरुषों ने अपने जीवन को इसी तरीके से तैयार किया है जी, तभी इतने दिनों के बाद तभी उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमारे मेंबर विनीत जयसवाल जी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिग्रेसिव टुवर्ड्स हिंदुइज्म आर फॉलोड बाय हिंदूज ओनली व्हाइल सो माइनॉरिटी यूजेस कॉन्स्टिट्यूशन टू शील्ड अगेंस्ट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं और सिर्फ हिंदू ही मानते हैं, बट माइनॉरिटी जो है वो तो मानते नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहे कि आखिर जब मतलब आखिर हिंदू अपने वैदिक गाइडलाइंस को क्यों नहीं मानते हैं, इसका कारण बताएं। क्यों नहीं मानते हैं, वो जिनको मानते हैं उनकी जो शिक्षा है वो तो उसी को मानेंगे, क्यों नहीं मानते हैं। आपने अपनी अच्छाई को वहां तक पहुंचाया क्या, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए योगेश्वर कृष्ण आए, उससे पहले कपिल कनाद पतंजल गौतम जैमिनी व्यास आदि ऋषि आए, उससे पहले अग्नि वायु आदि और अंगिरा आए, उन्होंने जो उपदेश दिया है हिंदू ने इसको अपनाया क्या, या उन तक इन अच्छाइयों को पहुंचाया क्या। आज जो मैं व्यक्तिगत प्रयास से इतने लोगों को कन्वर्ट करा रहा हूँ, इतने लोगों को वैदिक धर्मी बना रहा हूँ, ये तो मैं बहन जी से पहले ही चर्चा कर चुका था मैं जी। तो ये हिंदू अपने इस जिम्मेदारी को निभाता होता, इस वैदिक सोशल गाइडलाइन को अगर वो औरों तक पहुंचाते होते तब ना बात बनती, ये कौन कर रहा है और आप पहुंचाएंगे भी कैसे, वो तो आपके गुरु जिनको आपने गुरु मान रखा है, विवेकानंद का नाम लेकर के मैं बोला,
जब वही नहीं कर पाए तो आप कहां से करोगे? और हिंदू तो गुरु उनको ही मानते हैं जी। अब तो बहुत सारे नए गुरु आ गए हैं पंडित जी। हाँ तो ये नए गुरु आए, वो नए गुरु भी उसी तरीके से अपने अपने जेल में भी तो हवा खा रहे हैं नए गुरु जी। चाहे वो गुरमित राम रहीम हो या आशाराम बापू बाप बेटा हो और रामपाल हो, तो सब जेल में हवा खा रहे। ये ईश्वर अपने को ईश्वर बताते रहे और जेल से निकल नहीं पा रहे, फिर भी ईश्वर है ये। अरे गलती उनकी नहीं है, गलती इन हिंदुओं की है। गलती इन हिंदुओं की आई है, हिंदू ही मरने जाते वहां पर। नहीं तो एक महात्मा है, अगर आप धर्म प्रचारक है, धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो आपके आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या आवश्यकता थी भाई? अरे हिंदू इसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। ये हिंदू ही कमबख्त है, हिंदू अपने अदूरदर्शिता के कारण ही ये सारा पकड़ा हुआ है। और इन हिंदुओं के यही सब अदूरदर्शिता के कारण ये देश मुसलमानों का गुलाम बना, ये तो इतिहास साक्षी है जी। तो हमें सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, सच्चाई को औरों तक पहुंचाना पड़ेगा। जो आपने लिखा है कि वैदिक सोशल गाइडलाइन जो आपने लिखा है, तो इस गाइडलाइन को खुद आचरण में लाना पड़ेगा, औरों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हम जिम्मेदारी के साथ अपना जिम्मेदारी निभाएंगे तभी बात बनेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ना सब अपने आप। और वेद में तो उपदेश आया है बहन जी, वेद में उपदेश आया कि नाना पंथा विदते आयनायो, का अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। अच्छा हाँ, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। रही बात इन्होंने जो लिखा है कि और लोग जो इसको नहीं अपनाते हैं, तो और लोग नहीं अपनाते हैं, और लोगों के पास हम अपने अच्छाई को पहुंचा नहीं पाए जी। तो उनके जो आदेश है, उनके जो हुक्म है, वो उसी तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उनको अपने में लाने के लिए उनके पास तो जाकर के हमें उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जी। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं इस काम को, कौन कर रहा है? अच्छा फिर बहन जी मैं आपको एक बात और बता दूं जी। मैं ये 38 साल पूरा करने में लगा हूं इस वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार में जी। और बहुत सारे हिंदू संगठनों के माध्यम से, चाहे वो हिंदू जागरण समिति हो और इतने हिंदू मंच है, जितने भी हैं, मैं आरएसएस से लेकर के अब तक मैं ठेंगरी जी के साथ प्रचार किया, ना देशमुख जी के साथ प्रचार किया, बाला साहब देवरस जी के साथ प्रचार किया, रज्जू भैया के साथ प्रचार किया, अशोक सिंघल जी के साथ प्रचार किया, मैं आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ प्रचार किया, मैं 17 वर्ष तक इन्हीं लोगों के बीच में परावर्तन का जितना भी कार्य है दिल्ली प्रदेश का जी, स्वदेश पाल गुप्ता जी के साथ मैं दिल्ली प्रदेश का ये शुद्धि का काम मेरे ही नेतृत्व में हुआ है, मेरे पौरोहित्य में ही हुआ है और करता आया हूं मैं। लेकिन वहां जब हम हिंदुओं में जा करके कोई इस्लाम से भी अगर लोग लाते हैं ना, तो वो हमें आप बताते हैं पंडित जी आपने तो हमें समझाया कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, हम उसी आधार पर उसी बेस पर हमने वेद का एक ईश्वरवाद और इस्लाम के एक ईश्वरवाद को टाली करके देखा, तो इस्लाम से सुपर क्वालिटी के एक ईश्वरवाद वेद में है और आपका कहना बिल्कुल बरहक है, उसे हमने अपनाया। बहुत सारे मुसलमानों का है वीडियो मेरे पास, उसके साउंड भी है। लेकिन जब आप हिंदू समाज में हमें भेजे हैं तो वो तो हमें मूर्ति पूजा करने के लिए बोलते हैं। समझ रही है बात को जी? तो हिंदू भी कहां सच्चाई पे चलने वाले हैं? ये हिंदू ही अगर सच्चाई पे चलते होते तो आज नक्शा कुछ और होता, मैं वही बोल रहा हूं जी। विनीत जायसवाल जी आपको धन्यवाद है, अगर आप ये जान रहे हैं समझ रहे हैं कि वैदिक सोशल गाइडलाइन को अपनाना चाहिए, तो स्वागत है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं कि स्वागत है बहन जी के चैनल के माध्यम से, बहन जी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको हम लोग या हम लोगों के माध्यम से सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने का वादा करते हैं जी। अब आगे चलते हैं। विद्यासागर सोनी जी लिखते हैं, जय हो सनातन धर्म की, महिमा गौ माता की, हर हिंदू
जानता बचपन में दूध आहार ग्रहण कर शरीर पुष्ट तंदुरुस्त की ये, अब गौ रक्षा करो, गौ रक्षा धरती रक्षा है पंडित जी। हाँ बिल्कुल, गौ रक्षा धरती रक्षा है, वो वेद की वाक है, वो जो मैं आपको सुनाया पहले वो वेद वाक है, गौ रक्षा धरती की रक्षा है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये हिंदू ही गाय पालते हैं ज्यादातर, मुसलमानों में बहुत कम देखा जाता है, पाला जाता है। हाँ मेरे परिवार में भी, हमारे ननसाल में भी हमारे लोग पालते थे वो जी। तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में गौ पालने की प्रथा कम है, कम लोग पालते हैं, लेकिन फिर भी हैं कुछ लोगों के पास गांव ग्रामीण क्षेत्र में। तो हिंदू ही तो गौ पालक है और हिंदू को ही गौ रक्षक बनना चाहिए। पर हिंदू जब गाय बूढ़ी माँ गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो मुसलमानों के कसाई के हाथ बेचता है, हिंदू ही बेचता है। मैं एक घटना याद दिला दूं आपको, ये बंगाल की एक घटना है। बंगाल में जो दक्षिण 24 परगना में नूरपुर एक जगह है, वहां पर एक लड़का मेरे साथ मेरे टच में है, सुजीत नाम है उसका जी। तो अभी पिछले बकरीद से पहले उसने बोला था अपने पिता को कि पिताजी ये गाय मुसलमानों के हाथ नहीं बेचेंगे। अब बाप ने माना नहीं तो बाप बेटे में अनबन हो गई। वो काफी दिन तक लड़का बाहर रहा और मेरे से कहा कि गुरुजी मैंने बहुत रोका प्रयास किया लेकिन पिताजी ने माना नहीं। तो ये तो मैं एक घटना बता रहा हूं, ऐसे एक नहीं ऐसे लाखों घटनाएं हैं। तो हिंदू का दायित्व क्या है, हिंदुओं का कर्तव्य क्या है, ये बेचना बंद कर दें तो काटना अपने आप बंद हो जाएगा जी। ये जब दूध देना बंद कर देती है गौ माता तो ये कसाईयों को बेच देते हैं ये जी। ये तो बहुत ही गलत चीज है। अब उस समय ये थोड़े माँ कहते हैं, ये दूध देने देते समय तक माँ है इनके जी। जब दूध देना बंद कर दिया तो माँ मौसी बन गई। तो ये किन के लिए, जिस सनातन वैदिक धर्म के लिए कह रहे हैं कि जय हो सनातन धर्म की। सनातन धर्म की तो जय तब हो ना जब उस माँ को मरते दम तक अपने पास रखे। आपने दूध बंद कर देने से उसको मौसी समझकर बेचा कसाईयों के हाथ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गिरेबान पकड़ो मेरा। कौन करता है इस काम को जी। ये गौ माता की गुणगान, गौ माता की महिमा। आज हम भाई बहन दोनों जमा, हम तो दोनों एक हैं जी। मैं तो लिखा था सुबह जी, कल लिखा था बल्कि, हम दोनों एक के जुबान से सुनिए गौ माता क्या है जी। गौ माता की रक्षा क्यों करना चाहिए, ये ना तो बहन जी की बनाई हुई बात है और ना महेंद्रपाल आर्य की बनाई बात है, ये परमात्मा का वेद वाणी है, वेद वाक्य है, परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है जी। तो जब परमात्मा का दिया हुआ उपदेश हम लोगों के लिए नहीं है, बनिनो इंसान के लिए, यथे मम वाचम कल्याणी मां बदाने जन्म पे, संपूर्ण मानव समाज के लिए है। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको तो छोड़िए, कम से कम आपको तो मानिए जी। तो जब आप ही नहीं मान रहे, अब मान कैसे रही है वो भी मैं बता देता हूँ। वेद में मूर्ति पूजा करना सरासर मना लिखा है जी। और ये हिंदू कहता है वेद भी हमारा है, वेद हमारा है, तुम उस पर आचरण करते नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, वेद का उल्लंघन करने से तुम्हारा हो जाएगा जी। तो ये हिंदू खुद पहले संभले या अपने को संभाले तब बात बनेगी। हम कितने एक श्लोक आप लोगों को समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बतलाते रहेंगे, हम लोग समझ पाए और आप लोग नहीं समझ रहे। हम लोग दोनों एक से हैं, हम लोग उधर से पीछे से आकर के हम समझ गए इस सच्चाई को, और सच्चाई आपका है, आपके द्वारा ही हम लोगों ने समझा है जी। ये दिए हुए आपके हैं, हम समझ गए और आप समझने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बहन जी बड़ी दुख की बात है कि नहीं है जी पंडित जी। अब आगे चलते हैं पंडित जी, हमारा जी। दूसरा कमेंट है, वैभव जी पूछ कह रहे हैं, मैम पंडित जी की इस्कॉन वाले भी से डिबेट कराइए प्लीज, बहुत अच्छी थी पिछली वाली डिबेट।
इस्कॉन वालों से पूछ लीजिए, पहले इस्कॉन वालों से बात कर लीजिए कि बहन जी के चरण में वो आएंगे कि नहीं आएंगे महेंद्र पाल से डिबेट करने के लिए, तब बात करें। नहीं, उन लोगों ने बहुत बहस वगैरह किया है, तो अब मैं मतलब देखें, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ पंडित जी, आई थिंक इससे आप भी मतलब इस चीज को आप मानेंगे और अग्री करेंगे। हमारी तो सभ्यता, हमारी संस्कृति में था तर्क वितर्क डिबेट डिस्कशन, मतलब बैठ के बात करना, तो हमारा एक कल्चर था, रहा है पुराने जमाने से। बट आज तो मतलब हालात ये हो गई है कि मतलब बस फाइनल कंक्लूजन है कि नहीं बस ऐसे है ऐसे है, मतलब बात करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस वजह से मुझे दुख लगता है, इस वजह मैं डिबेट कराने में थोड़ी हिचकिचाती हूँ, बिकॉज उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया जिनको मैं बुलाई थी, तो इस वजह से। अब ठीक है, पंडित जी हैं हमारे पास, जितना हो सके। आपने आपने उस दिन मेरे से कहा था कि उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो लोग जी, तो इस वजह से मैं खुश हूँ कि जो मतलब भाई मेरे साथ हैं, पंडित जी मेरे साथ हैं, पंडित जी की जितनी जानकारी है सारी अच्छी अच्छी जानकारी मैं उनसे लूंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, बस मेरा यही उद्देश्य। भाई भाई वैभव चौधरी से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन इस्कॉन वालों से पूछिए, छोड़िए बहन जी का चैनल, वो खुले मैदान में आए, उनसे पूछिए कि महेंद्रपाल आर्य से आप लोग डिबेट कर सकते हो, करोगे, करना चाहते हैं, तो आइए, स्वागत है आपका। और मैं भी आपको वचन दे रहा हूं कि मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को कि आए सामने बैठे, सच और गलत का निर्णय ले, सत क्या है और असत क्या है, ये कोई भी आए, कोई भी समझ में, इस्कॉन कोई अकेला नहीं है, ये जितने भी हैं, इस्कॉन वाला हो चाहे ये ब्रह्म कुमारी वाले हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी आए, यहाँ केवल हक और बातिल की बात होगी, सच क्या है और झूठ क्या है उसका निर्णय होना है, और सत को धारण करे, असत को छोड़ दे, खुद मासाफा वर्गा मा कदर, जहां कहीं भी सफाई हो उसको ले और जहां कहीं भी गंदगी उससे बाहर आए, यही मानव होता है। तो मानव होता है कि रक्षा वैभव जी आपके द्वारा हो और पूजा बहन जी मेरे द्वारा भी हो, हम सब एक ही क्लास के हैं, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा और आपका यह दायित्व भी बनता है लोगों तक सत को पहुंचाने का। ये तो बहन जी को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने कल बोला कि पंडित जी इसी तरीके से है, जबकि हम बाहर जा रहे थे उस समय मैं बोल देते आ जाऊंगा, तो खैर, तो ये तो इन्होंने प्रयास किया। और इनका उद्देश्य क्या है, देखिए इनका उद्देश्य क्या है, ये केवल और केवल ये चाहती हैं बहन कालिदासी जी, ये चाहती हैं कि लोगों तक हम सच को पहुंचाएं जी, और उस सच के बारे में महेंद्रपाल को क्या जानकारी है वो जानकारी दें, यही बात है उनके मन में, और कोई बात नहीं है, उनके बेटा बेटी की शादी नहीं है या हमारे घर में कोई बात नहीं है जो इस तरीके से आप लोगों को परेशान करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत कहा पंडित जी आपने। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं, यहाँ पे स्वरूप गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या हम गौ माता का गलत फायदा नहीं ले रहे हैं, उनसे फायदा लेकर, ये तो हमारा स्वार्थ है। हाँ, तो हम लोग चर्चा तो उसी पर ही कर ही रहे हैं, हम लोगों ने तो बोला ही इसी पर ही, जो जब तक वो माता गाय दूध देती है तब तक आपकी माँ है, और फिर गाय दूध देना बंद कर दे मौसी समझ करके उसको कसाई के हाथ बेचते हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ पे फिर पार्थ सारथी जी कह रहे, स्वामी अरविंदो जी को अरविंद कह रहे हैं क्या, नहीं पता जी। हाँ जी, स्वामी अरविंद जी को ही, स्वामी अरविंद नहीं है, उनको ऋषि अरविंद कहा गया है, जबकि उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उनको अंग्रेज बनाना चाहते थे, 7 वर्ष की आयु में वो दार्जिलिंग डॉन बॉस्को में पढ़ते थे, संत स्टीफन में पढ़ते थे, तो 2 वर्ष वहां पर पढ़े, 7 वर्ष की आयु में उनको लंदन भेज दिया था पढ़ने के लिए, वही ऋषि अरविंद जिनको ऋषि अरविंद कहा गया है, वही ऋषि अरविंद ने समर्थन नहीं किया उनका, मैक्स मुलर आदि लोगों का, ऋषि दयानंद को समर्थन किया, ऋषि दयानंद को समर्थन किया, और वो लिख रहे हैं कि ऋषि दयानंद ये योगी थे, ऋषि थे, ऋषि कोई मंत्र द्रष्टा, ऋषि मंत्रों के साक्षात्कार करने वाले होते हैं, इसीलिए इनके की हुई भाष को मैं मानता हूं। और केवल इतना ही नहीं, अरविंद घोष ने आर्य समाज के नाम से एक पत्रिका चलाई बहन जी कलकत्ता शहर में जी,
और मैं इन लोगों को बहुत नजदीक से जाना हूँ, पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा तो कंपेरेटिव स्टडी है ही, जी तो इन मनुष्यों को भी बहुत नजदीक से पढ़ा हूँ, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, और ऋषि अपने पंडित ईश्वर चंद बिंद सागर हो, ऋषि अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन लोगों को बहुत नजदीक, क्योंकि मैं भी मूल रूप से बंगाल का हूँ और जन्मजात बंगाली होने के नाते उत्सुकता रही है मेरे अंदर में कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या क्या काम किया है वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति की रक्षा मुझे जानकारी मिली है ऋषि दयानंद से। जी हाँ, ऋषि दयानंद कृत सत्या प्रकाश पढ़ने के बाद ही मैं जान पाया हूँ सत और असत को। देखिए जी आपके जायसवाल जी क्या कह रहे हैं फिर। यहाँ पे विनीत जायसवाल जी कह रहे हैं, ऑल पॉलिटिशियंस एंड फाइव स्टार गुरुज आर सोल्ड आउट टू फ्री मेसन, मतलब ये हाँ कह रहे कि तो बिकाऊ है। इसमें कोई शक नहीं है। तो विनीत जायसवाल जी, मैं आपको एक चुटकुला और सुना देता हूँ, हालांकि जी चुटकुला बड़ा पुराना है, कि जी हम मानवों में और बंदरों में अंतर क्या है। हम मानव बांट करके खाते हैं, बंदर छीन करके खाता है, लेकिन वो बंदर को आप देखेंगे कि बंदर खिलाड़ी दिखाने वाले, खेल दिखाने वाले, वो सरेआम बंदर को नचवा करके दिखाते हैं, इससे यू पता दे रहा है कि बंदर भी मानव जैसे एक्टिंग कर सकता है, यानी बंदर जी मानव बन सकता है लेकिन मानव बंदर नहीं बन सकता। ठीक इसी जी तरीके से हम मानव में और भालू में क्या अंतर है, रीछ में क्या अंतर है। हम बाल कटवाते हैं, रीछ को बाल कटवाना नहीं पड़ता, लेकिन वो भालू भी मानव उसको अपने वश में करके उसको भी नचवा करके दिखा देता है। पता लगा कि भालू मानव बन सकता है, मानव का रोल कर सकता है, लेकिन मानव भालू नहीं बन सकता। ठीक यही प्रमाण है कि मानव में से राजनेता बनते हैं, मानव राजनेता बनते हैं, लेकिन कोई राजनेता मानव नहीं बन सकता। अगर ये मानव बन गए होते तो आज तो बात कुछ और होती। यही तो मानवता को त्याग दिया है। जी यहाँ पे पार्थो सारथी जी कह रहे हैं, हिंदू प्रतिकार तो तभी करेगा या अपने विवेक से कार्य तभी करेगा जब सच्चाई पता चलेगा। क्या आप इससे सहमत नहीं कि हिंदुओं को सच्चाई बताया नहीं गया? ये असल में इन्हीं पार्थो सारथी है, ये पार्थो सारथी है तो हिंदुओं को बताने के, हम लोग इस्लाम से आकर के यहां जान गए हैं, तुम हिंदू चुल्लू भर पानी में डूब मरो नालायक हो, हमने कहां से पाया है। तुम प्रयास करोगे तब ना पाओगे, तुमने प्रयास कब किया है, प्रयास तुम करो तब पाओगे तुम। हम कहां से आकर के कहां पा गए, और ये हिंदी ये बिल्कुल बकवास किया इसने, तो जानोगे तब पाओगे, तो जानकारी क्यों नहीं लेते, हिंदुओं को जानकारी क्यों नहीं। तो हम लोग हिंदुओं को तो जानकारी करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं उन लोगों को, तो हम लोग कहां से आकर के कहां सीखा। हम हिंदुओं से सीखा, हमने वैदिक संस्कृति को आर्यजनों से, तो हिंदू क्यों नहीं जानना चाहा। किसकी गलती जी है, कालिदास जी की गलती है कि महेंद्रपाल आर्य की गलती है। जी नहीं नहीं पंडित जी, हम लोग को तो ऐसे भाइयों का मार्गदर्शन करना है पंडित जी, अपने ज्ञान की ऊर्जा को बिखेरना है, रोशन करना है। ये इन्होंने जो बात कही ना कि हिंदू तो अपने सच्चाई को पता बताया ही नहीं गया, हिंदू को सच्चाई बताया नहीं गया तो हम कैसे जाने, बताया नहीं गया, ये बात इन्होंने सच लिखा है या गलत लिखा है, जी ये सारथी है ना, और जी बिना रथ के सारथी है, ये सारथी रथ के होते हैं पर ये बिना रथ के सारथी है, जी तभी इन्होंने लिखा है। जी अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पुलकित खंडेलवाल जी कह रहे हैं, अननोइंगली इवन हिंदूज आर टॉर्चरिंग गौ माता फॉर मिल्क, न्यू बॉर्न काफ्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर, कंज्यूमिंग मिल्क इज इक्वली क्रूअल, योर कॉमेंट्स। पंडित जी ये कह रहे हैं कि गौ माता को टॉर्चर किया जाता है जबरदस्ती दूध उत्पादन के लिए, और बच्चों को भी अलग कर दिया जाता है, गौ वंशों को अलग कर दिया जाता है माताओं से, और तो फिर वैसा दूध पीना भी तो आई थिंक बहुत ही मतलब निर्दयी काम होगा। आपके कॉमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल पुलकित खंडेलवाल जी, इस पर हम और बहन जी पर पहले चर्चा कर चुके थे, और ये वेद विरुद्ध है, ये भी बोल चुका था। जी
आगे चलते हैं। यहाँ पे अमित पटेल जी पूछ रहे, पंडित जी दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्गा का मतलब वो नहीं है जो 10 हाथ वालियों को आप लोग देखते हैं। आप लोग 10 हाथ वाली को देखते हैं या 8 हाथ वाली को देखते हैं? जबकि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम वाला गीत माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी लिखा है, पर आज तक हिंदू ये नहीं समझ पाया कि उसका हाथ 10 है या 8 है। दुर्गा उसको कहा जाता है जो देखने में सुंदर हो, देखने में अतुलनीय हो, उनका नाम दुर्गा है। पर उसका देखने में अतुलनीय होने के बजाय 4-8 हाथ लगा करके, 10 हाथ लगा करके उसकी उसकी विकृति की गई है। किसी महिला का हाथ 10 नहीं होता, बहन जी के 2 हाथ हैं और 2 हाथ महेंद्रपाल के भी हैं, लेकिन माँ दुर्गा वहां बतला रही है 2 हाथ ब्राह्मणों का, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का, 2 हाथ महिलाओं का, लो ये 10 हो जाएगा। पर हिंदू तो अपने शरीर को काट काट करके तबाह और बर्बाद किया, ये दुर्गा प्रतिमा केवल माँ माँ चिल्लाएंगे और 10वां दिन माँ माँ चिल्ला करके पानी में डूबोगे। हिंदू तो अपने माँ के कातिल है, जिसको माँ बोल रहा है उसको डूबोएंगे और उसमें प्राण भी प्रतिष्ठा करी। और हिंदुओं ने आज तक किसी ब्राह्मण से ये नहीं पूछा कि भाई तुम मूर्ति के, मिट्टी के मूर्ति के अंदर में तुम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, तुम्हारे घर में जब कोई आदमी मर गया उसका प्राण क्यों नहीं लौटा रहे आज तक? तो हिंदू तो ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को बात नहीं पहुंचाई गई। क्या हिंदू ये समझने के लिए तैयार होंगे बात पहुंचाई जाए? अगर इस सच्चाई को हिंदू समझने के लिए तैयार होंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, जब कोई मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है तो इंसान के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सकता? किसी पंडित ने लौटाया है अपने माँ बाप के प्राण को? औरों की तो छोड़ देते हम, अपने माँ बाप जो मरे हैं तो अपने माँ बाप के प्राण को लौटाना चाहिए था कि नहीं? तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? और धोखा हिंदू कर रहे हैं और हिंदू धोखा खा रहे हैं। क्यों? इसके भेजा में ताला डाल दिया है, इसको भेजा बिल्कुल निकाल दिया गया है। अच्छा अब पंडित जी यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे पास अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अधर्मियों से हमें सुरक्षा करनी, खुद की, अपने संस्कृति की और अपने धर्म की सुरक्षा करनी। संस्कृति की रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे या रक्षा करेंगे तो अपने को खुद को जानना पड़ेगा ना। तो हिंदुओं को जानकारी देने में तो हमारी नानी मर रही है, तो सुरक्षा को हम और आप दोनों अकेले करेंगे या इनको भी करना चाहिए? जी तो मैं वही चीज कह रही हूँ पंडित जी कि हम लोगों को मिल के ही हम लड़ सकते हैं। तो मिलकर ये रह सकते, मिल तो लेंगे, तो हम सत और असत के साथ कैसे मिल जाएगा? ये सत को स्वीकार करें तो मिल जाएंगे, स्वागत है। ये अगर सत को स्वीकार करते होते तो आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई थी ऋषि दयानंद के द्वारा, और उन्होंने सारा सच्चाई को उठा उठा करके दिया। ये सच्चाई को अगर ये स्वीकार करते होते तो आज ये सब तांडव क्यों होता? इन्होंने तो सच्चाई को स्वीकार नहीं किया है। ये तो हम और आप मुस्लिम समाज से आ करके सच्चाई को समझ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और ये इनका ही है, ये इन्होंने ही इनका विरोध किया, ऋषि दयानंद का विरोध किया है इन्हीं हिंदू कहलाने वालों ने। जी अब आगे चलते एक और कमेंट है पंडित जी। वैभव जी कह रहे हैं, पंडित जी मैं कैसे भरोसा करूं कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा अगले जन्म में, डर लगता है सोच के, प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल ये सही है आपकी बात, हमें ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग ये 5 चीज ईश्वर अधीन है, इसलिए हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा जन्म मुसलमानों में होगा या हम मानव ही जन्मेंगे, कौवा बिल्ली नहीं बनेंगे, चूटी नहीं बनेंगे, सांप बिच्छू नहीं बनेंगे, एक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जन्मांतर बाद कर्म फल है हमारा, क्योंकि जीव अनादि है, इसकी खात्मा नहीं है, अनादि है ये अनादि तत्व। परमात्मा भी अनादि, जीवात्मा अनादि और प्रकृति भी अनादि है, इसकी मौत नहीं होती, सोल इज नॉट डेथ एवर नेवर, ये फिजिशियनों ने भी माना इस बात को, आत्मा की मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन ये आत्मा का ट्रांसफर होता है। तो हमारा ट्रांसफर कैसे होगा? हम जो
किए हुए कर्मों को करते 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 आ रहे हैं, अब इसका भोग क्या है, अब भोग क्या है, अब भोग क्या है, उसी भोग को भोगना होगा हमें। ये जरूरी नहीं है कि हम मानव हैं तो अगले जन्म में हम मानव ही जन्मेंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मानव ही अपने कर्मों के अनुसार देवत्व को प्राप्त कर सकता है, इसलिए देवता भी बन सकते हैं और देवता भी तरस रहे हैं मानव जन्म में आने के लिए, क्योंकि मानव जन्म ही एक ऐसा जन्म है जो कर्म और भोग दोनों है। कर्म केवल मानव ही कर सकता है, इसीलिए कर्म करने के लिए देवता भी तरस रहे हैं परमात्मा से मोक्ष प्राप्त करने हैं। जो लोग, जो आत्माएं मुक्त आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर रहा परमात्मा से आनंद स्वरूप परमात्मा से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका भी शेड्यूल पीरियड है, उस पीरियड का नाम ही मोक्ष है। वो पीरियड समाप्त हो जाने के बाद उनको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु, जाति आयु भोग, ये सब ईश्वर अधीन है। कब कौन जन्म लेगा, कब कौन मरेगा, किस कुल में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे, जाति माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जाति नहीं है जी, ये वर्ण है। जाति जैसे मानव जाति, पशु जाति, पशु जाति में भी कई है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, बकरी है, बैल है, भैंस है, ऊंट है, आदि आदि, ये सब जाति है। लेकिन मानव मात्र की एक जाति है, समान परमात्मा का सजाति। इसलिए मैं पिछले दिन लिखा भी था इसके ऊपर, अरे जाति क्या है, वो जाति कि जाते जाते भी नहीं जाती जी। ये सब जानना पड़ेगा और ये सब वेद का विषय है भाइयों जी। सत्तार प्रकाश को अवश्य पढ़िए, सत्तार प्रकाश पढ़ने पर इन सब बातों की जानकारी मिल जाएगी आपको जी। आई थिंक आज के लिए हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे पंडित जी, और मैं आशा करती हूँ कि लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये एपिसोड, हमारी ये डिस्कशन, जहाँ पे कि हम लोगों ने डिस्कस किया गौ माता का महत्व और उनको, मतलब कैसे हम आदर कर सकते हैं और कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं। और पंडित जी ने बहुत ही सुंदरता और सरलता से हम लोगों को समझाने की भी कोशिश की, और पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि पंडित जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने समझाया। और आशा करती हूँ कि पंडित जी रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमें और भी सारी ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। पंडित जी जाते जाते आपका कोई एक आखिरी मैसेज? मैं जाते जाते यही संदेश देना चाहूंगा कि विनती के साथ कि हो सकता है कुछ शब्द मेरे आप लोगों के कड़वे लगे हो, या कड़वी मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आप लोग मलेरिया के मरीज हैं, मलेरिया रोगी के मरीज हैं। अगर मलेरिया रोगी को डॉक्टर क्विनाइन देना बंद कर दे तो वो रोग से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए मेरा उद्देश्य आप लोगों को चिढ़ाने का नहीं, मेरा मकसद आप लोगों के दिल में सदमा पहुँचाने का नहीं, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है नफरत वाली आप लोगों के लिए। मैं सीखा हूँ आप लोगों से, मैं जान पाया हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग इससे अनभिज्ञ हैं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है और उसी तकलीफ में मैं बोल देता हूँ बहुत कुछ आप लोगों को। तो क्या आप लोगों के लिए कर्तव्य नहीं बनता है कि जब हम लोग सीखे हैं, हम लोग जाने हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो आप भी जानकारी लीजिए और जानकारी दें। तो आप भी अगर जानकारी देंगे तो हम एक और एक दो नहीं बनेंगे, एक और एक 11 बनेंगे जी। और बहन जी का भी उद्देश्य सिर्फ यही है 11 बनाने का है जी। बहन जी भी यही चाहती है कि एक और एक हम दो ना बने, एक और एक 11 होता है और हम 11 बन करके दिखाएं। इसीलिए मैं विनती करूंगा कि आप लोग सच्चाई को अपनाइए, सत को धारण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। अगर आप सच्चाई को धारण कर लेंगे, असत को छोड़ देंगे, सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसे पंडित महेंद्र पाल, आज देखिए, आज मुझे देख रहे हैं आप लोग, सब जान रहे हैं, दुनिया जान रही है कि एक्स है, एक्स होने के बावजूद भी आज पंडित कह के पुकार रहे हैं कि नहीं लोग जी? आज लोग पंडित कह के पुकार रहे हैं या नहीं? इसलिए याद रखिएगा, पंडित विद्वान का नाम होता है, जन्म से कोई पंडित नहीं होता। इसीलिए मैं पोगा पंडित बोला उन लोगों को जो जन्म से पंडित मानते हैं अपने को। जन्म से कोई पंडित नहीं होता, जन्मा जायते शूद्रा संस्कारा दुयुच्यते, जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है और वो संस्कार से ही द्विज बनते हैं। तो संस्कार के माने होता परिमार्जित करना, धोत करना, परिष्कृत करना, साफ करना आदि आदि। तो आप लोग भी इसी संस्कार को अपनाइए,
संस्कारित हो जाइए, सच्चाई को अपनाइए, तो फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। और हम और आप सब मिल करके, अब बहन जी ने कितना ये बीड़ा उठाया, देखिएगा कितना साहस भरा कदम है कि हमें गौ के बारे में वेद में क्या उपदेश आया है, मनुस्मृति में क्या उपदेश आया है, उसको जनता जनार्दनों के बीच में पहुंचाना है। हम अपने भाई महेंद्र पाल जी को साथ लेकर के इस पर चर्चा करेंगे। ये छोटा मोटा कदम है जी। और आपके आपके ना मालूम कितने चैनल वाले हैं, कौन कौन कौन, क्या मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि वो दुख मानने लगे, कितने कितने चैनल है, इस पर चर्चा किया है, कोई कुरान में क्या है, कोई हदीस में क्या है, कोई कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, वो ढूंढते हैं, पर जो ढूंढना उसको उसका निजी है, वो ढूंढना नहीं चाहेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे जी। और जो विषय उसका नहीं आना अधिकार, चेष्टा करते हुए करेंगे। कुरान का कौन नहीं जानता, एक तो जालिकल किताब उलारई वफी शब्द है, उसको बोला जालिकल किताब लामई वफी बोल रहा है, लारई वफी को लामई वफी बोल रहा है, और ये ऐसे लोग हैं। अरे तुम्हारा विषय नहीं है, क्यों चिरको कर रहे हो, तुम्हारा विषय नहीं है, अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए जी। तो खैर, ये बहन जी का मैं बड़ा ही शुक्रिया अदा करूंगा कि बहन जी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम सच्चाई को औरों तक पहुंचाए। और बहन जी से एक निवेदन मैं आओ करूंगा कि वो डॉक्टर मिर्जा साहब ने भी मुझे व्हाट्सएप में कुछ भेज रहे, मैं वहां घुस नहीं पाया, और हमारी और आपकी ये जो बातें हुई है, जो चैनल हम जी 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 जो वार्ता हमारी हुई है, वो पहुंचा देंगे उनको। और जी 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 मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबको मैं नमन करता हूँ हृदय से। और आगे चाहूंगा कि आप लोगों का इसी तरीके से हमारे साथ लगाव आप लोगों का रहे, तो हम लोग और अच्छी अच्छी बातों को चुन चुन करके आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास करेंगे। सबको नमस्ते करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। कहिए भारत माता की जय। जय भारत माता की जय पंडित जी।